सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव किड्स वोकैबुलरी, बच्चों का शब्दकोश कैसे सुधारें। तो एक अच्छा रीडर होने के लिए, एक अच्छा राइटर होने के लिए और एक अच्छा स्पीकर होने के लिए सबसे ज़रूरी है एक अच्छा शब्दकोश होना। तो बच्चों के वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट में क्या करना है, जब बच्चे छोटे होते हैं केजी क्लासेस में होते हैं तो जो भी वो नया वर्ड सीखते हैं, चाहे वो अपनी बुक से सीखे, चाहे पेरेंट्स से सीखे, चाहे टीचर से सीखे, उसको एक नोटबुक में नोट कर लेना है और डेली उसको रिवाइज करते रहना है और उसको उसका मतलब भी बच्चे को पता होना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में आता है तब आपको क्या करना है, मार्केट से कोई भी वर्ल्ड बुक लेनी है या स्टोरी बुक लेनी है, कोई भी ऐसी बुक लेनी है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स हो, नए नए वर्ड्स हो, और वो आपको बच्चे को लिवानी है। तो यहाँ पर मेरे पास ये बुक है, आप चाहे तो कोई भी बुक ले सकते हैं, ये वर्ल्ड बुक है। इसकी स्पेशल बात क्या है, इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स है, इसमें वोकैबुलरी आइडियाज़ है, इसमें स्पेलिंग रूल्स है, इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जो हम बच्चे को पढ़ाते हैं वो भी इसमें दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है इसकी, इसके जो चैप्टर्स है वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं माय स्वीट शॉप, तो स्वीट शॉप से संबंधित जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, जितने भी बेसिक वर्ड्स हो सकते हैं वो इसमें दिया गया है, जैसे शॉपकीपर, कस्टमर, चिल्ड्रन, वेट, पॉन्ड, क्वार्टर, हाफ, वंस, चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम। तो ये बच्चे को आपने पढ़ाने हैं, हफ्ते में एक चैप्टर करवाना है। इसी तरह के इसमें काफ़ी चैप्टर है, करीब 15 से 20 चैप्टर इसमें हैं। और इसकी दूसरी तरफ, चैप्टर के दूसरी तरफ कुछ रिमेनिंग वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे साई, पाई, वाई, नेल, पेल, टेल, तो इस इनको भी बच्चा पढ़ सकता है अपने डेली रूटीन में। यहाँ पर ये है माय कैट, तो कैट से संबंधित रिलेटेड जितने भी वर्ड है वो यहाँ पर है, किटन, बास्केट, ब्लैंकेट, स्टॉफर, टेल, विस्कर। विस्कर एक नया वर्ड है, बच्चे को सीखने को मिलेगा। विस्कर क्या होता है, जो कैट के ये मूछे होती है उनको विस्कर कहते हैं, तो ये नया वर्ड है। इसी तरह से कुकिंग, कुकिंग से संबंधित रोलिंग पिन, बेलन को कहते हैं रोलिंग पिन, फ्राई, बॉयल, आइस्ड, रेडी, बर्न्ट, डिलीशियस, न्यू वर्ड्स। इसी तरह से पोस्टमैन, मेल वैन, मेल, पोस्ट ऑफिस, स्टैम्प, पेपर, एनवेलप, पोस्ट कार्ड। तो इस तरह की बुक आप बच्चे को खरीद सकते हो और उसको हफ्ते में एक दिन एक चैप्टर उसको करवाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन में तो बच्चा इतना सारा नहीं कर पाएगा, पढ़ने के लिए भी अच्छा है, फोनिक साउंड में बच्चा इसको उनको पढ़ेगा, रीड करेगा और फिर उनको याद करेगा। तो ज़्यादा नहीं, आपने चूज़ कर लेने हैं कुछ स्पेशल वर्ड, सारे भी नहीं, कुछ स्पेशल वर्ड आपने चूज़ कर लेने हैं जो आपको लगे कि ये अच्छे हैं, काम के हैं और ये ज़्यादा डेली यूज़ में काम आएंगे बच्चे की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में, तो वो आपने बच्चे को याद करवाने हैं। हर दिन अगर आप 5 से 7 वर्ड या 8 वर्ड, मैक्सिमम 10 वर्ड्स दीजिए और बच्चे को इसको रिवाइज करने के लिए भी कहिएगा। और जितने भी इसमें चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं बच्चों के सिलेबस से मैच करते हैं, जैसे विंटर है, एक सीज़न है, फेरीज है, और इसके अलावा फार्मर स्टोरी है, वॉच है, बर्ड्स लाइव है, पुलिसमैन है, रेनी डे, और साथ साथ इसमें कुछ स्पेलिंग रूल में दिए गए हैं, जैसे इंग, आर, एस्ट, एट, एन, कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, तो स्पेलिंग रूल्स कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छी वर्ल्ड बुक है, इस तरह की वर्ल्ड बुक आप अपने बच्चे के लिए खरीद सकते हैं और उसकी जो वोकैबुलरी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा जो उसकी टेक्स्ट बुक रहती है उसमें से भी कई वर्ड है, उनको आप सर्कल कर सकते हो, उनको भी आप लिखने के लिए दे सकते हो और सेंटेंसेस बना सकते हैं बच्चे उसमें से, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं ताकि उनको वो जो है रिवाइज होते रहे वो वर्ड। तो इस तरह से ये वर्ल्ड बुक थी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा
आपको कुछ हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़रूर जरूर प्रे कीजिएगा कि लॉकडाउन जल्दी से ख़त्म हो जाए ताकि बच्चों को भी रिलीफ मिले, हमें भी रिलीफ मिले और जल्दी से स्कूल खुले, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे बहुत ही बोर हो चुके हैं। पहले पहले उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया पिछले साल बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस पर, अब काफ़ी मुश्किल है आई थिंक। तो सो जल्दी जल्दी कोरोना भागे और जल्दी से स्कूल खुले।